हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं आसान तरीके से। तो सबसे पहले आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और उसको टैप करेंगे। जैसे ही आप टैप करेंगे आपको बाय और सेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप बाय सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी जो भी आपको क्वांटिटी डालनी है वो क्वांटिटी एंटर करेंगे। फिर प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है वो 76.9596 ऐसा चल रहा है। तो मुझे इस स्टॉक को बाय करना है 75 रुपीज़ पर। तो यहाँ मैं प्राइस एंटर करूँगा और यहाँ पर मुझे अगर इंट्राडे के लिए बाय करना है तो मैं इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा, या मुझे डिलीवरी के लिए करना है तो डिलीवरी सेलेक्ट करूँगा। अब क्योंकि जैसे मैंने प्राइस फिल कर दी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिमिट सेलेक्टेड आएगा और स्वाइप टू बाय मैं कर दूँगा। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कि जो ऑर्डर है आपका प्लेस्ड हो चुका है। जैसे ही आप ऑर्डर्स में आएंगे तो ऑर्डर्स में आपको ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा। यदि हम सेम चीज़ करते हैं, जैसे कि हम अगर मुझे इसको 77 पे बाय करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर लगाना पड़ेगा, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अब सेम ऑर्डर को मुझे कैंसिल करना है तो मैं ऑर्डर्स में आऊँगा, देखूँगा ओपन ऑर्डर कौन सा है और ओपन ऑर्डर में देखूँगा यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, मॉडिफाई और कैंसिल। तो यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसे कि प्राइस में 75 की जगह 76 एंटर करके स्वाइप टू बाय कर सकता हूँ। तो ये मॉडिफाई हो जाएगा ऑर्डर। और यहाँ पे अगर मुझे चेंज करके कैंसिल करना है तो कैंसिल का प्रेस करूँगा बटन और यहाँ पे यस कर दूँगा तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर कैंसिल होता है वो एग्जीक्यूटेड में आ जाएगा कि मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो आई होप आपको बाय करना लिमिट पर और ऑर्डर कैंसिल करना, उसको मॉडिफाई करना, ये इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा। यदि आपको इस स्टॉक को इस ऊपर प्राइस से बाय करना है जो करंट मार्केट प्राइस जो ट्रेडेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको 78 पर जैसे ये आता है स्टॉक तो ये बाय हो, तो यूजुअली मैं आपको ऐसा सजेस्ट करने के लिए मना करूँगा। क्योंकि क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी जब अपडेट्स आते हैं एप्लीकेशन के अंदर और जब भी चेंजेस आते हैं, तब जैसे ही हम करंट मार्केट प्राइस जैसे 76.90 है और ये 78 में यहाँ फिल करूँगा तो वो मेरा ऑर्डर मार्केट ऑर्डर लगकर 76.90 पे बाय हो जाएगा। जैसे मैं प्राइस 78 एंटर करके स्वाइप टू बाय करता हूँ, ऑर्डर कंप्लीटेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने क्या ले लिया कि मुझे 78 पे बाय करना है, लेकिन क्योंकि प्राइस जो मेरे बाय ऑर्डर से नीचे का प्राइस ट्रेड हो रहा है तो इसलिए वो उसने मुझे मार्केट ऑर्डर लगाकर 76.95 पर ही बाय करवा दिया। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।